क्षेत्र में आपके जो है देखभाल करने के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हाँ धन धान सुन लीजिए आप, हाँ हाँ बताइए। किसी प्रकार के कोई धन धान्य की किसी भी आवश्यकता जो होती है एक लाइफ को जीने के लिए, उसमें किसी हाँ प्रकार की कोई कमी नहीं है, ठीक है। हाँ 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 आपके पुत्र के लिए भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, अच्छा, मतलब कि पुत्र को मतलब कि सुन बस लीजिए अब, जन्म देना, उसके बाद कोई उसका सुन मतलब लीजिए सुन बताना लीजिए समझाना कुछ नहीं होता है। सुन लीजिए। हाँ अब हाँ जो हाँ है हाँ पुत्र का जो लालन पोषण है, हाँ अगर उसका पिता तत्क्षण मर जाए तब भी उसका लालन पोषण जब बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। देखो, वो सुन चीज़ अलग लीजिए, होती, पहले सुन लीजिए वो चीज़ अलग मेरी ही बात होती है। सुन हाँ लीजिए महाराज, आप नहीं समझ हाँ पाएंगे कि ये ज्ञान की पराकाष्ठा है, हाँ बताइए बताइए, और इस ज्ञान की पराकाष्ठा को छूने के लिए बहुत बुद्धि और प्रज्ञा की जरूरत पड़ती है। बताइए बताइए। तो वो तो वही तो सुनो मैं। जब उस व्यक्ति की स्थिति जो है परिवार में अब ऐसी है कि उस व्यक्ति की उपस्थिति के बिना भी पूरा परिवार वैसे ही चल सकता है, अब उस व्यक्ति के प्रति जो है कुछ संबंध है साथ में जो जुड़े हुए, एक पिता पुत्र का संबंध है, एक पति और पत्नी का संबंध है, एक अच्छा जो है आपके पिता का और आपका भी संबंध है। अब बिल्कुल, ये जो संबंध है ये नहीं चाहते हैं कि आप मरें, अच्छा ठीक है, कोई चाहता है क्या? इनमें से कोई नहीं चाहता, देखो लेकिन बात, सुन लीजिए, लेकिन मृत्यु तो अटल है, वो कभी भी आ सकती है, लेकिन जिस क्षण मृत्यु आएगी उस क्षण जो आप बता रहे हैं कर्तव्यों का बोध गिना रहे हैं, उन कर्तव्यों का क्या होगा? क्या वो देखो कर्तव्य पूरे करे जा सकते हैं उस व्यक्ति के द्वारा? देखो मेरी, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बात तो सुनो, मैं अपने धर्म के हिसाब से बता रहा हूँ। कोई भी करते हुए मृत्यु के बाद करता है, तो देखो मृत्यु हो जाती है, वो अलग चीज होती है, वो तो मतलब कि भाई अलग ही बात होगी। जब मृत्यु वेरी होगी गुड वेरी तो गुड, उसके थैंक ऊपर यू। तो अब जो है दूसरी बात पे आते हैं, चलिए बात तो सुनो, अब बस एक बात सुनिए सुनो। सुन लीजिए, मृत्यु नहीं हुई है, आदमी जिंदा है, ठीक है। हाँ अब हाँ तो बताइए। आपकी पत्नी जो है आपको परिवार में रोके रखना चाहती है, हाँ अब ये बताइए कि आपकी पत्नी को आपसे क्या चाहिए, क्यों रोकना चाहती है, क्या काम करवाना चाहती है आपसे वो? देखो, मैं एक बार बात बताना चाहता हूँ कि आपके आसपास में ये तो है नहीं कि सबके पास मतलब कि भाई सबके पास पैसे ना हो, कोई किसी के पास तो पैसे होंगे, आपके मैंने जो मैंने बहुत आपकी जो गणमान्य स्थिति वाले। मैंने सुनिए मैंने जो आपकी स्थिति बताई है उसके हिसाब से पूछ हाँ रहा हूँ आपसे, मैंने देखो, आपकी स्थिति में बता दिया ना। मैं भी तो बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए कि आपके तो वहाँ पे अरे आसपास भाई में, साहब इतना टाइम नहीं है, आप जो तो है मैं आप अपने अपनी बात रख रहे हो, तो बात मतलब कि वो आप चीज जो नहीं होती। बातें जब रख रहे हो वो आधारहीन है, उनका आधार नहीं आधारहीन है, क्यों है, एक बार बताओ। जब आधारहीन इसलिए है, मैंने प्रश्न पूछा है कि क्या आपकी पत्नी जिसके लिए आपने सारी सुख सुविधाएं जुटा रखी हैं, किसी प्रकार का हाँ अभाव बिल्कुल, नहीं है, वहां पर जब आपको क्यों रोकना चाहती है? मैंने प्रश्न ये करा है कि देखो क्यों बात रोकना चाहती है वो ना, आपको, बात तो सुनो, मेरी भी वो सुनो। नहीं चाहती कि आप घर जब से जब रुक हमने जाए। एक जिम्मेवारी ले ली, तो हम दूसरी जिम्मेवारी, एक क्या जिम्मेवारी जिम्मेदारी बताइए? जब हमने जब पति पत्नी के संबंध में ही आ गए, तो वो जिम्मेवारी होगी ना भाई, क्या नाम है कि उसके ऊपर वो गृहस्थी लाइफ में आ गई, तो गृहस्थी लाइफ एक जिम्मेवारी नहीं होते, एक कर्तव्य अच्छा नहीं होता कि उसको निभाना, कि भाई उसको कैसे वो करना है, बच्चों का पालन पोषण क्या होता है, ये सब कर्तव्य तो होते हैं। चलिए अगर क्या, अब कर्तव्य है, ठीक है ना, ये हमने जो है कसम खाई थी कि भाई हम जो है जीवन पर्यंत जो है साथ रहेंगे, ठीक है ना, हाँ अब ये हाँ मान लेते बिल्कुल, हैं कर्तव्य हो गया। हाँ अब शादी हो गई, बच्चा हो गया, सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पत्नी से पूछा कि पत्नी जी मेरी इच्छा कर रही है कि मैं ज्ञान को प्राप्त करूं, और मैं गृहस्थ रहकर जो है ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि गृहस्थ में जो है वो मोह दोष और ये जो है लगे रहते हैं, राग द्वेष मोह जो है, ठीक है। मोह दोष लगे रहते, बात तो मैं भी तो सुनूंगा अभी। सुन लीजिए अब मेरी बात, जो हाँ है आप थोड़ा सा भटक जाएंगे फिर से, नहीं तो नहीं, बताइए बताइए। अब मैंने पत्नी जी से कहा कि पत्नी जी मेरी इच्छा हो रही है कि मैं ज्ञान के उच्चता को छूं, ज्ञान को खोजूं, ज्ञान का विस्तार करूं, लेकिन वो ज्ञान जो है गृहस्थ रह के नहीं हो सकता। मैं अगर अच्छा इसे सुन लीजिए, तो हाँ पत्नी जो है अगर वो सह स्वीकार करे कि ठीक है आप जो जाइए, और होता भी है ना आजकल जो है, आजकल लोग जो हैं कमाने के लिए विदेश जाते हैं ना, देखो और वो वो सुन लीजिए हाँ, वो वो महीनों फैसिलिटी को साल छोड़ देते हैं साल भाई। और विदेशों में जाके जो है मतलब कई कई साल तक नहीं आते हैं घर वापस, जो है फौजी भी जो है अपना जाते हैं बॉर्डर पे जो है तो भी 6-6 महीने तक मतलब 7 साल तक नहीं आते हैं। तो तो वो तो सुन एक, लीजिए हाँ सुन बात लीजिए, बताइए। एक नहीं है, हाँ ऐसी स्थिति नहीं है। मेरे मैं कहने का बात मतलब बताऊँ, यह उसकी है भी कि बात बताऊँ ना, बात बताऊँ। कोई भी संबंध जो है स्थायी नहीं होता है, लेकिन ये मनुष्य जो है हर संबंध में स्थायीपन ढूंढता है, अभी सही है गलत है? अभी बात बता रहा हूँ मैं आपको, उस चीज के बारे में समझा रहा हूँ। फौजी गया या कोई भी गया, तो वो अपने अरे कर्तव्य को लेकर, यार कर्तव्य को ही लेके गया, ये नहीं कि मैं उन, एक बार तो कमाने जा रहा हूँ, किसके लिए कमाता है भाई, वो पैसे कमा रहा है, वो उसके लिए अपने बच्चों के जीवन बेहतरी के लिए बहुत कमाता है बहुत ही ना। है ना आपके जो जो प्रश्न जो आपकी ज्ञान है ना, एक तो देखिए आप जो है उम्र बहुत छोटी है आपकी जो है, फिर मैं देखो आपसे बात, बात कर रहा हूँ, मेरी उम्र आपको पता है कितनी है? देखो एक बात चीज पूछ रहा हूँ मैं, एक बार नहीं बता रहा हूँ मेरी कि उम्र पता है बात आपको तो कितनी सुनो, है? आप मेरी बात भी तो सुन लो, गृहस्थी लाइफ में रहकर ज्ञान नहीं लिया जाता, अंकित यादव जी आपको आप मेरी मेरी बात उम्र भी पता सुनो, है? गृहस्थी लाइफ में रहकर ज्ञान नहीं लिया जाता, ये बता दीजिए।
अब इस बात का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, आपको मेरी उम्र पता है कितनी है? हाँ हाँ बताइए। मेरी उम्र है 43 और आपकी उम्र है 18। अरे तो अनुभव सुन लीजिए, अनुभव और अध्ययन दोनों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर होगा। और आपने जो अध्ययन किया होगा ना अभी तक, जो है अभी तक वो अध्ययन किया ही नहीं है आपने, जो है अभी तक आपने मैंने अनुभव लिया है आज के हिसाब से। चलिए अब मैं अपनी बात नहीं समाप्त करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस बात को और आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, नहीं नहीं आप मेरी बात तो सुनिए ना। अब मैं और बताइए कितनी देर बात कर सकता हूँ आपसे, मैं इतना टाइम दे दिया, मेरे टाइम को और काम नहीं। मैं ये बात पूछ रहा हूँ, गृहस्थी लाइफ में रहते आदमी क्या नाम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता ये? अब मैं आगे किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता आपके, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। चलो ठीक है जी, आप और मैं आपसे अपनी हार स्वीकार करता हूँ, मुझे कोई लज्जा नहीं है। देखो कोई लज्जा की बात नहीं, आप जो है जीते, आपको मैं जीता हुआ घोषित करता हूँ। देखो मैं भी वही बात कहना चाहता हूँ, देखो मैं भी अपने आप लज्जा मतलब मैं सुनूंगा, मैं भी हार महसूस करता हूँ, पर ये बात सुन लीजिए। आप कैसे हार महसूस कर लेंगे बताइए मुझे? आप बात तो सुनिए, आप बात तो सुनिए, मेरी बात भी सुनिए। आप कभी भी ये बोल देते हैं कि भाई कि ये भगवान ऐसा है वो ऐसा है, तो किसी भी आस्था को हमें मतलब की ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। भाई कौन कैसा है, मेरे पास है हर बात का आधार होता है, आधारहीन बातें नहीं होती है। लेकिन आपके पास अब आप जो ये रिकॉर्ड कराया ना आपने वीडियो जो है ऑडियो, इसको आप दोबारा सुनना। अब अपने अपने आपने जो प्रश्न किए हैं, आपको जो जवाब मिले उनको दोबारा से सोचोगे आप जो, अभी तो सोच नहीं पा रहे ना आप। अब इस रिकॉर्डिंग को सुनना आप, और सुन के आपको जो थोड़ा सा पता लगेगा कि आपने जो है क्या बोला है, कैसे बोला है, कैसे जवाब दिया है, तो आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि आपने जो है क्या बातें करी है। आज हम इस बात को अंत करते हैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं अगली बार बात नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, देखो मैं भी तो आज आ रही बात ही रख रहा हूँ कि भाई अभी मैंने एक सवाल पूछा आपने, तो ठीक है आज आज बात खत्म करते हैं। ज्ञान लिया जाता नहीं लिया जाता, अंकित जी आप बताओ ना। आज नहीं, आज बहुत लंबा हो गया। देखो कैसे लंबा हो गया, अभी एक बात कर देना, हाँ या ना में बस। एक घंटा हो गया जी, और हाँ या ना में आंसर है इसका? नहीं है ये बताओ। नहीं है बिल्कुल, हाँ ना में कोई आंसर नहीं होता, हर चीज को एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है चलो ठीक है, ओके जय भीम।